स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है रिलेशन एंड फंक्शन, और एक्सरसाइज है 2.2। इसमें हमने डिफाइन किया रेंज, डोमेन और कोडोमेन को। यहाँ पर हमारे पास कोई रिलेशन आर है, वो क्या से कहां तक है, नॉन एम्पैथी सेट ए से नॉन एम्पैथी सेट बी। कि जो आर है वो डिफाइन कर रहा है ए से बी में, तो ए भी नॉन एम्पैथी है, बी भी, यानी कि ए में भी एलिमेंट्स होंगे और बी में भी, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और सेकंड एलिमेंट होता है वो पेयर होते हैं, उसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी। यानी कि जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी बिलोंग्स टू ए बी के, जहां पर क्या होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में। और ए है वो किसका एलिमेंट होगा, ए का, और बी है वो किसका एलिमेंट होगा, बी का, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट होता है, यानी कि ये जो बी है उसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ फर्स्ट ए का। यानी कि जो सेकंड एलिमेंट है वो इमेज होगी किसकी, फर्स्ट एलिमेंट की, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसमें डोमेन। डोमेन किसको बोलते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर में, यानी कि जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए है उसको क्या कहेंगे हम, जो ए है वो सारे के सारे क्या होगा, ए के अंदर सेट, ए के अंदर डिफाइन करेगा। तो रिलेशन किस में डिफाइन कर रहा है, आर से ए, सॉरी आर ए से बी में डिफाइन कर रहा है। तो जो ये ए है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, तो जो ये स्मॉल ए है उसको हम बोलते हैं डोमेन। रेंज, रेंज क्या होती है, जैसे हमने मान लिया ये है ए और ये बी, तो रिलेशन यहां से डिफाइन कर रही है, ये हमारा ए है ये बी है, ठीक है। तो ये जो इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे हमारे डोमेन। और जो ये यहां पर हमारे मान लिया सी बी एक एलिमेंट, तो ये ए बी से डिफाइन कर रहा है, ए बी से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए बी के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ये जो बी है इसको हम बोलेंगे रेंज, और जो ये इसके कैपिटल बी के अंदर जो सारे एलिमेंट है, यानी कि बी और सी दोनों के दोनों इसमें, तो इसको बोलेंगे हम कोडोमेन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। हमारे पास मान लिया हमने कोई सेट ले लिया ए, वो है 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन आर है वो डिफाइन कर रहा है ए से ए के बीच में। कैसे डिफाइन कर रहा है, एक्स वाई, वाई है वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वन के। यानी कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें से, इस सेट A में से। R है वो कैसे डिफाइन कर रहा है, A से A के अंदर, यानी ये वाला सेट भी A होगा और ये वाला सेट भी A होगा। तो यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6, यहां भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6। y की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वन। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 होगी तो y क्या हो जाएगा फिर 2, तो हमारे पास क्या जाएगा, x जब 1 है तो y 2, y 2 है तो जब x 3, सॉरी x 2 है तो y 3, x 3 है तो y 4, x 4 है तो y 5, x 5 है तो y 6, ये होगा। अब हमें बताना है कि इसको एरो डायग्राम से बताना, तो एरो डायग्राम से हो गया कि जब x 1 होगा तो y क्या होगा 2, जब x 2 होगा तो y 3, x 3 होगा तो y 4, x 4 है तो y 5, x 5 है तो y 6, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अगला बताना मैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो डोमेन क्या होता है कि जो ये ए के अंदर जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और रेंज क्या होता है, जिसपे जिसकी इमेज बनी हो, 2 4 3 4 5 6, ये रेंज हो गया 2 3 4 5 6। और कोडोमेन क्या होता है, जो ये सेट है हमारा इधर इस सेट का, तो यानी यहाँ पर हमारे पास ये भी सेट ए ही था, ठीक है। तो जो ये वाला सेट है इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट, जो एलिमेंट होते हैं वो कोडोमेन में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या हो गए कोडोमेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कोई रिलेशन आर है, वो किस में डिफाइन कर रहा है, पी और क्यू के बीच में डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे डायग्राम में, पी है वो हमारे पास 9 4 25 पर, क्यू में 5 3 2 1 -2 -3 -5। 9 है वो 3 में भी डिफाइन कर रहा है -3 में, तो इस और 4 है वो 2 में भी डिफाइन कर रहा है -2 में भी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो आर है वो कैसा है, ए बी
बी का स्क्वायर है, ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, पहला हमारे पास क्या है, नाइन ए पी का एलिमेंट लिखेंगे, तो ये पहला क्या है, नाइन, और नाइन किसके साथ हो रहा है, थ्री के साथ, और नाइन माइनस थ्री के साथ भी हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे एक बार थ्री के साथ, एक बार माइनस थ्री के साथ। नेक्स्ट है फोर, फोर किसके साथ कंबाइन हो रहा है, टू के साथ, और माइनस टू के साथ भी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फोर माइनस का टू। ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव के साथ भी कंबाइन हो रहा है, और ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव के साथ भी कंबाइन हो रहा है, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब डोमेन और रेंज बताने हैं, तो डोमेन क्या हो गई, नाइन फोर और ट्वेंटी फाइव, तो डोमेन क्या है हमारी, नाइन फोर और ट्वेंटी फाइव, और रेंज क्या होगी, जिसमें ये कंबाइन हो रहा है, जिसमें जिसकी इमेज बना रहा है, ठीक है। तो नाइन किसके साथ कंबाइन हो रहा है, थ्री माइनस थ्री के साथ, तो रेंज में क्या आ गया, थ्री फाइव थ्री टू माइनस का टू माइनस का थ्री माइनस का फाइव, ये सारे क्या होगा, रेंज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई सेट है ए वो वन टू है, और कोई सेट है बी थ्री फोर है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बताने ए टू बी के, तो नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होते हैं, एन ए क्रॉस बी के, और ये किसके बराबर होते हैं, एन ए क्रॉस एन बी, तो किसके बराबर हो गए, टू क्रॉस टू यानी कि फोर, और नंबर ऑफ रिलेशन किसके बराबर होंगे, टू की पावर जो ये एन आई है फोर, तो ये क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। कोई सेट है हमारे पास, मान लिया ए है वो वन टू थ्री से लेके फोर्टीन तक है, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव हमने मान लिया फोर्टीन तक है, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है। और रिलेशन है वो किस में डिफाइन कर रहा है, ए से ए की तरफ डिफाइन कर रहा है, ठीक है, यानी कि इधर भी क्या होगा, यही होगा सेम, वन टू थ्री फोर फाइव फोर्टीन तक। आगे बोला है थ्री एक्स माइनस आर है वो कैसे डिफाइन किया, एक्स वाई यानी कि थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो वाई किसके बराबर आएगा, थ्री एक्स के, ठीक है। जब हम y x1 लेंगे तो y क्या आएगा, 3, x2 लेंगे तो y क्या आएगा, 6, ऐसे चलेगा। जब हमने x1 लिया तो y क्या आया हमारे पास, 3, x2 लिया तो y हमारे पास क्या है, 6, x3 लिया तो y हमारे पास आया 9, एक्स फोर लिया तो वाई हमारे पास आया 12, एक्स फाइव लेंगे तो वाई हमारे पास आएगा 15, तो बट 15 तो सेट में ही नहीं है, तो हमारा ये वाला सेट में आएगा ही नहीं, रिलेशन में आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन तो ये क्या होती है, सारे के सारे ये वाला एलिमेंट यानी कि सेट ए, कोडोमेन, कोडोमेन किसको कहते हैं, सेट बी को बोलते हैं, तो कोडोमेन क्या हो गया हमारा बी। रेंज क्या होती है, जो y की वैल्यूज आती है, y की वैल्यूज हमारे पास क्या आई, 3, 6, 9, 12, ये हो गई। इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, ये किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर क्या है कि R कोई रिलेशन है सेट N के अंदर, जो ये N है वो नेचुरल नंबर है, और कैसे डिफाइन किया है, x y, और y किसके बराबर है, x प्लस 5 के, क्या पर नेचुरल जो नंबर है वो लेस देन 4 होने चाहिए, तो लेस देन 4 यानी कि 1, 2, 3, ठीक है। x और y दोनों ही N में बिलोंग कर रहे हैं, ये x हो गया,
ये वाई, वन टू थ्री फोर, सुन ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें पुट करेंगे 6, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। यहां पर बोला गया था कि x है वो लेस देन 4 होना चाहिए, तो लेस देन 4 1 2 3 होगा। और नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4, सोन ठीक है। तो हमारे पास आगे क्या होता है ना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख देंगे, 1 6 2 7 3 8, ये किस फॉर्म में हो गया रिलेशन, रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसके आगे हमें बताना है डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होगी हमारी 1 2 3, सोन ठीक है, यानी कि सेट ए ठीक है। ये यहां पर x बोला है तो ये x ठीक है। और रेंज, रेंज क्या है हमारी, जो y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है हमारी 6 7 8, ये हमारी रेंज हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें दे रखा है कोई सेट ए 1 2 3 4 5, बी दे रखा है हमारे पास 4 6 9, रिलेशन आर है वो ए से बी के अंदर डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि एक्स वाई है वो एक्स वाई के जो बीच का डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए, और एक्स वो बिलोंग करेगा ए में, वाई बिलोंग करेगा आर में। रोस्टर फॉर्म में लिखना है ठीक है हमें, तो हम ले लेते हैं एक्स को हम लेते हैं 1 और y को लेते हैं हम 4, x 1 यानी 8 में से हो गया, y 4 b में का एलिमेंट हो गया। तो जब हम इनका डिफरेंस करेंगे y माइनस x तो क्या आएगा 3, तो ये क्या है और ठीक है, तो हम ले लेंगे इधर 1 2 3 5 4 6 9 ठीक है। जब हम 1 और 4 लेते हैं तो 3 यानी कि ओड, तो ये 1 4 से ओड आएगा। 1 को 6 के साथ भी ले लेंगे, 1 को 9 के साथ भी ले लेंगे तो भी ओड ही आएगा, 2 को 4 के साथ लेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 2, ये तो इवन होगा तो इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। 2 को 6 के साथ लेंगे तब क्या आएगा 6 माइनस 2, ये भी इवन है तो ये भी नहीं ले सकते। 9 और 2 को लेंगे 9 माइनस 2 7, तो ये क्या है और, तो 2 किसके साथ होगा 9 के साथ, हम लिख लेते साथ के साथ 1 4 1 6 1 9 2 9 3 4 3 6 3 9 5 4 5 6, ये सारे क्या हो गए रोस्टर फॉर्म में हो गए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो ग्राफ दे रखा है उसमें डिफाइन किया है रिलेशन पी से क्या हो की तरफ ठीक है। तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर डोमेन और रेंज लिखनी है ठीक है। डोमेन क्या होती है, ये पी का एलिमेंट तो ये P हो गया। रेंज क्या होती है, किस रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है P से क्या की तरफ जा रहा है 5 3 में जा रहा है, तो ये 3 4 5, ये सारे क्या हो गए रेंज हो गए। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या है यहाँ पर ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, हमने R लिख दिया x y ठीक है। डिफाइन कैसे हो रहा है कि जो x है वो क्या है y प्लस 2, क्योंकि y जब हमारे पास 3 है तो x क्या 5, यानी कि 2 जुड़ रहे हैं ठीक है। साथ में लिख देते हैं कि x बिलोंग कर रहा है p में और y बिलोंग कर रहा है क्या में, ये
ये क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको, 5.3, 6.4, 7.5, ये किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई सेट ए है, मान लिया वो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 है, ठीक है। रिलेशन आर है वो डिफाइन कर रहा है ए के अंदर, जैसे कि ए बी है वो है क्या आएगा कि जो ए और बी बिलोंग कर रहा है ए में, तो जो बी है वो डिवाइड होना चाहिए ए से, यानी कि बी है वो ए से डिवाइड होगा। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं बी को 2 और ए को हम ले लेते हैं 1, यानी कि 2 है वो 1 से डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, 3, 1, 4, 1, 6, ये भी रोस्टर फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 2, 4, 2, 6, 3, 6, ये सारे क्या हो गया, ये 4 और ये 2, 4 लेते हैं तो 4 और 2 यानी कि 2, 4 को डिवाइड कर रहे हैं। इसको ले लेते हैं 6 और 2 यानी कि ये भी इसको डिवाइड कर रहा है। 6, 3 तो 3, 6 को डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। डोमेन ऑफ आर, डोमेन कैसे हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एलिमेंट क्या होंगे, डोमेन के, तो ये डोमेन होगी। रेंज, रेंज क्या होगी, 1 किस में जा रहा है, 1 में भी जा रहा है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी और 6 में भी। 2 किस में जा रहा है, 2 में भी होएगा और 2 4 में, 2 6 में, ठीक है। इसी तरीके से 3 में, 3 6 में, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, 1, 2, 3, 4 और 6 ये हमारे पास डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, रेंज हमारी रेंज ये वाली सेकंड बी, 1, 2, 3, 4, 6 ये हमारी क्या होगी रेंज, ये डोमेन, यानी कि डोमेन भी ए के बराबर और रेंज भी ए के बराबर, ठीक है। सेम ही पहले जैसे कभी पहले कराया था क्वेश्चन वैसा ही है कि यहाँ पर क्या है कि R वो डिफाइन कर रहा है x को मैं x प्लस 5 को, तो यहाँ से x की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये x प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। डोमेन लिख देंगे, डोमेन क्या है ये हमारे ये आएंगे और रेंज 0, 1, 2, 3, 4, 5 जब हम 0 लेंगे तो 5 आएगा, 1 लेंगे रेंज, हमारे पास डोमेन क्या है ये एलिमेंट्स, ठीक है। और रेंज क्या है, 5 ओनली क्योंकि 0 ही इसमें जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास रेंज आ गई 5। इसी तरीके से हम 7th में रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं, लेस देन 10 तो 2, 3, 5, 7 बस यही है ये रोस्टर प्राइम नंबर, ठीक है। ये हमारा सेट हो गया। अब इसको हम सेट को डिफाइन कर देंगे और रोस्टर फॉर्म में इसको लिख देंगे। इसी तरीके से 8th क्वेश्चन है, ए और बी दे दिया, उसको नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या आएगा, नंबर ऑफ ए क्या है 3 और नंबर ऑफ बी क्या है 2, तो 3 × 2 = 6, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गया 6। नेक्स्ट है कि कोई रिलेशन आर है वो जेड इंटीजर में डिफाइन कर रहा है। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं, बट उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर
आना चाहिए, ठीक है। तो हमने ले लिया माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ठीक है। इधर भी हमने ऐसे ले लिया माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, ठीक है। हम ले लेते हैं ए और बी, कोई दो भी कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, वो इंटीजर भी होनी चाहिए। जैसे हमने ले लिया माइनस टू और माइनस वन, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस टू प्लस वन, तो क्या हुआ माइनस वन, ये क्या हो रहा है, ये भी इसमें है, तो ये क्या हो गया इंटीजर्स। तो माइनस टू माइनस वन जीरो भी ले सकते हैं, माइनस वन को हम माइनस टू के साथ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन क्या हो गई, ये जो सेट है हमारा जेड का, तो डोमेन भी जेड हो गई और रेंज भी जेड हो गई, ठीक है। माइनस टू और माइनस वन के साथ भी ले सकते हैं, माइनस टू के साथ भी ले सकते हैं, प्लस टू के साथ भी ले सकते हैं। तो क्या हो गया, रेंज में सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे और डोमेन में भी सारे एलिमेंट्स, तो डोमेन भी जेड के बराबर आ जाएगी और रेंज भी जेड के बराबर होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म।